देश के नाम है और वो देश से। रणदीप सुरजेवाला का एक बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि जब इस तरह की शहादत होती है बीजेपी उसका कहीं ना कहीं राजनीतिकरण करती है, क्योंकि जब पुलवामा हमला हुआ उस वक्त पूरा देश जो है वो अफसोस कर रहा था, लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जले थे, प्रधानमंत्री जो है दौरा कर रहे थे, समोसे खा रहे थे, नौका विहार कर रहे थे, किस तरह से देखते हैं आप? 130 करोड़ हिंदुस्तानी आज एकजुट होकर देश के साथ और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, देश की सेनाओं के साथ खड़े हैं, और सुरजेवाला जैसे लोग कहीं ना कहीं अपनी गंदी राजनीतिक रोटियां सेकने की साजिश कर रहे हैं। कुछ नेता इस देश के अंदर हैं जिनके खून में गद्दारी है, कुछ नेता इस देश के अंदर ऐसे हैं जो देश की दुश्मन ताकतों के हाथ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, भले वो नवजोत सिंह सिद्धू हो या सुरजेवाला हो। ये लोग जिनका खून सफेद हो चुका है और जो गंदी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, पूरा देश ऐसे गद्दार राजनेताओं के तमाशे देख रहा है, देश इनको माफ नहीं करेगा। 130 करोड़ हिंदुस्तानी इस वक्त एकजुट हैं और एकजुट होकर देश की सेनाओं के साथ, देश की सरकार के साथ और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जब देश मॉर्निंग, पूरा देश में मॉर्निंग था, उस वक्त प्रधानमंत्री जो है समोसे खा रहे थे, नौका विहार कर रहे थे, सीधे उन्होंने प्रहार जो है प्रधानमंत्री पे किया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला हो या नवजोत सिंह सिद्धू हो, ऐसे नेताओं का खून सफेद हो गया है। ये देश दुश्मन ताकतों के हाथ मजबूत करने में लगे हैं, इनके खून में गद्दारी है, सिद्धू और सुरजेवाला के डीएनए में खराबी है। सर कल महबूबा मुफ्ती ने बोला था बस, आप